कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में मैं अजय सिंह आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। रोजाना के तरीके आपको बताएंगे लोहे बाजार की जानकारी, जिसके अंतर्गत मंडी गोविंदगढ़ में बाजारों में कल कितना बजार में तेजी आई है इसकी जानकारी, कास्ट आयरन का भाव क्या रहा, आगे क्या और तेजी रह सकती है HRC CRC कॉइल के साथ साथ आप लोगों को मार्केट का ट्रेंड, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, सरिये के बाजार में आप कहां खरीदारी करें, कहां बिकवाली करें, सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। और आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, सोमवार शुक्रवार आप जानना चाहते हैं तो सुबह 9:30 का आप शो जरूर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करेंगे मंडी गोविंदगढ़ MS इंगट से। मंडी गोविंदगढ़ MS इंगट में कल जैसे कि लगातार आपने देखा जो ऊपरी स्तर से 48,400-500 रुपये बाजार जाने के बाद 47,000 हुआ, कल बाजारों में एक निचले स्तर से रिकवरी दिखी। जो बाजार 47,000 रुपये बाजारों में कामकाज हो रहा था, वहां से बाजार 47,600 रुपये बढ़ के बाजारों में कामकाज देखा गया। MS स्क्रब का भाव 37,400 रुपये रहा, 37,400 रुपये बाजारों में कामकाज, 600 रुपये बढ़त के साथ इसमें भी कामकाज देखा गया। MS इंगट ओल्ड स्क्रब का कन्वर्जन रेट 10,200 रुपये हो गया, कल बाजारों में एक बढ़त देखी गई। कास्ट आयरन का भाव मंडी गोविंदगढ़ का टोका का भाव 41,200 रुपए, इंपोर्टेड का भाव 42,200 रुपए रहा। HRC CRC कॉइल में लुधियाना HRC कॉइल का भाव 54,000 रुपए, CRC कॉइल का भाव 59,500 रुपए, गाजियाबाद HRC कॉइल का भाव 54,000 रुपए, CRC सीट का भाव 62,000 रुपए रहा। कोलकाता HRC सीट का भाव 52,200 रुपए, CRC सीट का भाव 60,700 रुपए पे कामकाज रहा। जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया था कि बाजारों में एक रेंज बाउंड, एक सीमित दायरे में कामकाज होगा। बाजारों में निचले स्तर पर अगर कहीं पर बाजार आता है तो वहां पर खरीदारी करिए, ऊपरी स्तर पर आप मुनाफा वसूली करके चल सकते हैं। बाजारों में रेंज बाउंड ही बाजारों में अभी फिलहाल ट्रेड देखा जा रहा है। आगे आने वाले समय में भी बाजार में जो फिलहाल जो रेंज निकलती हुई दिखाई दे रही है 46,000 नीचे में, 49,000 ऊपर में रेंज में आने वाले 10 दिनों में बाजारों में काम। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। दिनों बाजारों में कामकाज आपको नजर आएगा, बाजार में कहीं पर भी आपको गिरावट पे मिलती है, अगर 1 से 1.5 हज़ार रुपए गिरावट मिलती है तो बाजारों में अच्छा मौका है, वहां से आप होल्डिंग करके बाजारों में चल सकते हैं। चलिए जान लेते हैं रायपुर HB वायर की क्या स्थिति है। रायपुर HB वायर का भाव 50,100 रुपये रहा, GI वायर का भाव 54,200 रुपये, गोविंदगढ़ पाइप का भाव 49,800 रुपये, रायपुर पाइप का भाव 46,900 रुपये पर स्थिर बना रहा। चलिए अब जानेंगे कुछ मंडियों के TMT के भाव क्या रहे। मंडी गोविंदगढ़ TMT का भाव 51,900 रुपये, दुर्गापुर का भाव 47,700 रुपये, इंदौर का भाव 52,300 रुपये, रायपुर का अगर बात करेंगे 47,300 रुपये पर कामकाज हुआ, जयपुर का भाव 51,300 रुपये, मुजफ्फरनगर का भाव 49,300 रुपये, भावनगर का भाव 53,000 रुपये, गाजियाबाद का भाव 54,400 रुपये, जलना का भाव 52,200 रुपये, पटना का भाव 49,000 रुपये रहा। यह सभी TMT के भाव में 200 से 300 रुपये प्रति टन की गिरावट दर्ज करी गई, लेकिन जो इंगट में बढ़त आई है उसका रिफ्लेक्शन आज के बाजारों में आपको देखने को मिलेगा। TMT में यहाँ से बाजारों में आपको एक अच्छी बढ़त आती हुई बाजारों में नजर आएगी, बाजारों में अच्छा मौका है। सरिया के बाजारों में भी अगर आप होल्डिंग की कैपेसिटी है तो आप लॉन्ग टर्म का व्यू के हिसाब से आप होल्डिंग करके चल सकते हैं। चलिए मंडी गोविंदगढ़ में आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है। मंडी गोविंदगढ़ में आज का एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 47,000 रुपये का है, रेजिस्टेंस का लेवल 48,300 रुपये का, इसी के तहत पुराने स्क्रैप का सपोर्ट का लेवल 36,800 रुपये का, रेजिस्टेंस का लेवल 38,000 रुपये का देखा जा रहा है। तो ओवरऑल आउटलुक अगर आप मान के चलते हैं तो बाजारों में आप मंडी गोविंदगढ़ में 47,000 रुपये का सपोर्ट होल्डिंग अगर बना रहता है तो यहाँ से आप ऊपरी स्तर में 48,000 से 48,300 रुपये तक के आप लेवल देख के चल सकते हैं। इसी के तहत पुराने लोहे में भी 36,000 रुपये के ऊपर के लेवल सस्टेन रहता है तो आप 38,000 रुपये का लेवल आपको बाजारों में दिखाई देगा। आने वाले समय में एंगल पाइप, गाटर, HB वायर, पाइप, स्क्रैप के भाव में आपको यहाँ से बढ़त आती हुई नजर आके दिखाई दे सकती है, लेकिन बाजार एक छोटी रेंज में ही कामकाज करता हुआ नजर आएगा। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।